नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समीक्षा में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं घटना चक्र का, भारतीय इतिहास का टीजीटी पीटी जीआईसी और अन्य एग्ज़ाम के लिए साल पेपर। तो आइए देखते हैं इस किताब की खास बातें। देखिए, ये घटना चक्र के द्वारा प्रिंट की हुई किताब है। अप टू डेट बिल्कुल 2022 तक है। ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी एनवीएस केवीएस एलटी गेट नेट जीआरएफ के कुल 76 प्रश्नपत्र शामिल। अध्यायवार विभाजित हर प्रश्नपत्र भारतीय इतिहास, जिसमें कि समाज विज्ञान इंक्लूड होता है। सन 2000 से अभी तक जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, इसको इसमें जो है जोड़ दिया गया है। ये देखिए ऊपर का पृष्ठ है ये। अब चलते पीछे के पृष्ठ देखने, पीछे कैसी है। देखिए, इन्होंने जितने भी खंड चक्र के टीजीटी पीजीटी किताब के साल पेपर छापे हुए हैं, उनका इन्होंने विज्ञापन दिया हुआ है। अब इसके मूल्य की बात करें तो 425 रुपये, देखिए इनका मूल्य जो है इसमें पीछे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये अगर 25 से 30% तक अगर ये छूट देंगे तो 290 या 300 रुपये तक जो है ये मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं। फिर ये देखिए इनके, ये पहला पृष्ठ में 425 रुपये मूल्य है। इन्होंने अपना अपना एड्रेस जो है इसमें लिखा हुआ है। फिर ये देखिए संपर्क करने का जो है एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है और संकलन सहयोग में जो जो व्यक्ति हैं उनका नाम दिया गया है। फिर अंदर चलते हैं तो भारतीय इतिहास का अध्यायवार जो है पूरा अनुक्रमण का दिया गया है, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। देखिए भारतीय इतिहास, अब भारतीय इतिहास में अध्यायवार क्या क्या दिया गया, पाषाण काल, सैंधव, वैदिक, धार्मिक आंदोलन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल, मरोत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर, संगमकालीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर दक्षिण, विविध प्रश्न। फिर आइए मध्यकालीन को चलते हैं। मध्यकालीन भारत का मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, सैयद, सल्तनतकालीन, मध्यकालीन, क्षेत्रीय मध्यकालीन, धार्मिक और मुगलकालीन भारत, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। फिर उसके बाद है शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, मुगलकालीन कला, मुगलकालीन साहित्यिक रचनाएं, सूर्यवंश और सिख संप्रदाय। फिर है आधुनिक भारतीय इतिहास। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, मराठा के बाद है पंजाब, अवध, 1857 की क्रांति, समसामयिक धार्मिक आंदोलन, ब्रिटिश सरकार में आर्थिक गतिविधियां, संवैधानिक विकास, गवर्नर, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में सांप्रदायिकता का विकास। फिर है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक विविध। और देखिए ये यूजीसी नेट हल प्रश्नपत्र, मतलब इसमें यूजीसी नेट से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं कम से कम 7-8 सालों का, ये जो है इनमें इनका प्रश्नपत्र भी दिए गए हैं। अब देखिए परीक्षा वर्ग देखिए दिया गया है, टीजीटी पीजीटी, प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश इतिहास, पीजीटी जीआईसी जीडीसी एलटी ग्रेड, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर आइए अंदर देखते हैं इसकी, ये किताब कैसे छापी गई, प्रिंट कैसे इसकी। देखिए यह है पाषाण काल और रिप्रेस दिए गए हैं, उसके उच्चार उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के बाद इसके जो है उत्तर दिए गए हैं बी, फिर जो उत्तर कहाँ से लिए गए हैं उसकी व्याख्या जो है दी गई है, और एक पेज में दो पार्ट में एक आंसर छापे गए हैं। देखिए ये है, फिर जैसे ये पाषाण काल के थे, फिर आ गया किताब के नाम, तो मिलिंद पन्हों का लेखक था, फिर उत्तर दिया नागसेन। अब नागसेन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि नागसेन जो है लेखक हैं, ये पाल ग्रंथ का है, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इस प्रकार इन्होंने किताब जो है छापी है, इसमें व्याख्या जो है जैसे जैसे जितनी आवश्यकता हुई व्याख्या की वैसे वैसे इन्होंने व्याख्या की है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा,
कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।